आने वाला प्रवेश अजय पवित्र नाम सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। अजय संदेश देने से पहले दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी अच्छा गीत गाया है ना, हमारा हमारा दिल आ रहा है। पहली बात सब लोग सुने ना, हमारे प्रवेश मसीह मतलब प्रवेश मसीह कौन है? सिंपल सवाल है, कोई इतना दिमाग लड़ने की बात नहीं है ना। मतलब दुनिया के लोग कहीं कुछ बोला, लेकिन अपन क्या बोलते हैं है? अभी यहाँ पर मतलब ये सवाल के पीछे अपन क्या जवाब देंगे है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? अभी दुनिया के लोग बोला वो कुछ होता है, एक गुरु है, ये है, अपना बड़ा अच्छा नेता है, मतलब बहुत कुछ बोला, लेकिन अपन क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह मतलब कौन है? जवाब नहीं दिया। अच्छा वो किसके लिए मरा? ये सब लोग दिया, किसके लिए मरा? तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठ करके स्वर्ग में गया, वो वापस आएगा, किसके लिए आएगा? मतलब एक सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सवाल का जवाब नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। इतना सिंपल बात है, देखा एक बात में रह गया है। इसका मतलब क्या है कि उस प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मेरे लिए मर करके और जी उड़ा। सबसे बड़ी बात हमारे लिए किसी के सामने बोलने के लिए एक बहुत बड़ी बात क्या है कि वो स्वर्ग से दुनिया में आकर मेरा पापों के लिए मरकर और ई उड़ करके स्वर्ग में गया और वो वापस आएगा। इस दुनिया में वापस आने वाला और कोई है नहीं, इस दुनिया में और कोई स्वर्ग से आया नहीं। तो मतलब हमने जिस पर विश्वास किया वो जी उड़ा हुआ प्रभु है, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ एकमात्र व्यक्ति दुनिया के चरित्र में है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसका सबूत रीति में आज भी भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुला पड़ा है और वहां पर लिख कर रखा है वो यहाँ पर नहीं जी उठा है। कितना बड़ी बात है ना, इसका मतलब वो एकमात्र सच्चाई है। ये सच्चाई जानना ये सबसे बड़ी बात है, ये सच्चाई जानना ये बड़ी बात है। तो आज का थोड़ी समय के मनन के लिए इब्रानियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय 3-4 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 3-4 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इनका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी आपकी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। देखिए यहाँ पर आपको सबको मिल गया ना, ध्यान दिया ना सलवा ने सुना ओके। और एक व्यक्ति जोर से बोलो, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर ऐसे बन सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हाँ देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। एक सवाल है, वो सवाल क्या है? इतने बड़े उद्धार क्या है? इतने बड़े उद्धार, ये इतना बड़ा उद्धार होने का कारण क्या है? ये इतना बड़ा उदार होने का कारण क्या है? पहली बात ये उदार स्वर्ग से आया, पहली बात क्या है? ये उदार स्वर्ग से आया, ये दुनिया की तरफ से नहीं है। और ये उदार इतना बड़ा ये है कि स्वयं मतलब सबसे बड़ा परमेश्वर स्वयं परमेश्वर को मनुष्य रूप लेकर के
मनुष्यों का पापों के लिए मरना पड़ा और मर करके जी उड़ा। पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने स्वयं उड़ाया, इसलिए ये इतना बड़ा उदार है। पहली बात, ये उदार स्वर्ग से आया, और दूसरी बात, स्वयं परमेश्वर को ही उसका दाम चुकाना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब यहां पर ये सवाल पूछने के बाद में बोलता है, इतनी बड़े उदार से निश्चिंत रहेगा तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। तो प्रियो, हमारे जीवन में अभी यहां पर बैठा हुआ अनेक लोग उदार का बारे में कितनी बार सुना है। उदार पाने के लिए हमें कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। जब सुसमाचार सुनता है उस समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना उसी घड़ी में उसको उदार है। क्या करना है ना, रोमियो का पत्र उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, देखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अब देखो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उदार पाएगा। देखो कितना सरल बात है, फिर भी उदार नहीं पाया ये कितना दोगा की बात है ना। इसलिए हर जगह पर प्रभु का ये सुसमाचार सुनाया जाता है। आपको मालूम है बाइबल का सबसे गहरा विषय है भावी इंसान और उसका उदार, परमेश्वर ने किया हुआ उदार। बहुत बड़ी बात है प्रियो, खोया हुआ इंसान को प्रभु बचाता है, तो बहुत बड़ी बात है। ये बाइबल का इतना महान संदेश और कोई भी कहीं भी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इतना एक बड़ी बात है। आज भी मतलब एक और भी सिंबल रीडी में इस विषय में थोड़ा प्रकाश ना, जो जो लोग अभी तक अगर उदार भी नहीं पाया प्रियो, आपको ये बात बहुत गहराई से जानना जरूरी बात है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बातें आपको मतलब इस उदार का अर्थ क्या है ना, उदार का अर्थ क्या है, कौन बोलेंगे? अब ये क्लास है ना, आप लोग बोल भी सकता है। और कोई किसी का और भी कोई ओपिनियन होगा? पापों की क्षमा एकदम बराबर बात है। और कोई किसी को कुछ? ओके, तो एक वचन पढ़ेंगे, पहला तस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 9-10 वचन, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित है और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा, आने वाला प्रकोप से बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। मतलब इसका मतलब उदार क्या है? आने वाला प्रकोप से बचाने वाला। उदार आने वाला प्रकोप से बचना, उदार क्या है? पाप का क्षमा देने के लिए सही बात है। पाप का तो है मतलब आने वाला वो प्रभु का सजा के बाद है, मतलब आने वाला प्रकोप से मतलब बचना। उदार का अर्थ आने वाला प्रकोप से बचना। इसके मतलब अभी प्रभु दास ने बराबर बोला, क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है, हमें मृत्यु से छुटकारा पाना। उदार बोलेगा तो उस मृत्यु से छुटकारा पाना, मतलब मृत्यु से छुटकारा पा लिया तो वे लोग आने वाला प्रकोप से बच गया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहा है आने वाला उस प्रकोप से बचाने के लिए, बोलेगा तो पाप का मजदूरी उस मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कई बार इस उद्धार का बारे में कई लोग कुछ गलत समझा, मतलब मेरे जीवन में ऐसा बहुत अनुभव हुआ है विश्वासी लोगों के बारे में। विश्वासी लोगों में कई लोगों ने उद्धार को क्या समझा, जैसे अभी मतलब एक व्यक्ति बोलता है मैं पहले मतलब बहुत शराब पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, और एक बार मुझे
किसी प्रमुख दास ने उधर बुलाया, बुलाया तो माना बोला तुम बपतिस्मा लेगा तो तुम्हारा ये शराब पीना सिगरेट पीना सब बंद हो जाएगा। तो मैं बड़ा ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर एक हफ्ता के बाद में और वह बपतिस्मा सेवक ही था, बोला मुझको भी डुबकी लो। मैंने डुबकी लिया। उस दिन से मेरा शराब पीना सिगरेट पीना वास्तव में बंद हो गया। सचमुच में बंद हो गया, फिर पिया ही नहीं। वो थोड़ा थोड़ा पीने वाला बात नहीं, ये अलग है। मतलब मैं फिर इसके बाद मैं बहुत शराब पीता था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन जब से मैंने बपतिस्मा लिया इसके बाद में मैंने अभी शराब भी नहीं पिया, मैंने सिगरेट भी नहीं पिया। उधार हुआ? उधार हुआ? नहीं, उधार नहीं हुआ। बात समझ में आया? ऐसा उधार पाए वो लोग आज बहुत है, क्योंकि कई प्रकार उन लोगों का जीवन में कुछ कुछ बातों में स्वभाव में बदलाव आया और उन्होंने सोचा मेरा उदार हो गया। उदार का अर्थ वो नहीं है, उदार का अर्थ वो नहीं है, उदार वो नहीं है। हमें आने वाला या पाप की सजा से हमें छुटकारा प्राप्त करना वो है उदार। आपका स्वभाव में बदलाव आया वो उदार नहीं। ऐसा भी कई लोग बोलते ना, बाल बाल बिच गया, गाड़ी ऐसा गया, उसको भी कोई लोग बिच गया ना, बिच गया मीन्स उधार पाया है, मैं बिच गया। प्रियो ऐसा बिचने वाला एक संभव नहीं है उधार। हमारे जीवन में उधार का बारे में एक सच्चा एक ज्ञान देखना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत प्रकार ऐसा रीति में बहुत ऐसा लोग है कि हाँ अभी मतलब पहले पहले घर में बहुत झगड़ा होता था, अभी झगड़ा नहीं हो रहा है, उसका उनको लगता है कि उनका उधार हो गया। ऐसा कुछ लगने वाला बात है क्या? उधार नहीं है प्रियो, पर जो अभी भी इस अवस्था में जीवन बिताने वाले लोग हैं उनका जीवन वास्तव में वो उधार का उस मार्ग में नहीं जीवन बिताता। इसका मतलब क्या है कि उधार पूर्ण रूप में मतलब प्रभु के साथ मेल होने वाला बात है ना। पाप हमेशा में क्या करता? हमेशा के लिए प्रभु से दूर करता, दूर किया हुआ उस अवस्था से वापस मेल हो जाना, ये बात है उदार। उस उदार का अनुभव में ना आते हुए अभी भी मतलब लोग जाता, संगति में जाता, बाइबल सुनता, पढ़ता, गीत गाता, सब करता, लेकिन उनका उदार नहीं हुआ। इसका मतलब उदार को सही रीति में जानना, अरे इवन उदार पाया बोल करके अभी भी जीने वाले लोगों का कर्तव्य है। ये क्लास के द्वारा आपको इस उदार के बारे में मतलब थोड़ा भी शंका नहीं लेना चाहिए। प्रभु उस रीति में इस उदार का विषय में कुछ तो बात जरूर प्रभु का उद्देश्य होगा, क्योंकि जो मुझे सुनने वालों में कई लोग सच में उदार का अनुभव में नहीं हो सका ना, क्योंकि कई लोग बोलता ना मानो बपतिस्मा लेने के बावजूद भी ऐसा बोलने वाले लोग है कि हम पहले से क्रिस्ती है। इसका मतलब आश्चर्य क्या है? वो व्यक्ति को क्रिस्ती बात का अर्थ नहीं मालूम। पहले से कोई क्रिस्ती होता है क्या? पहले से जो भी होता है वो सब पापी है। हम कितना भी खानदान और ऐसे कोई माना स्वभाव रह गया तो उसका भी सच में उदार या नया जन्म नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये भी नहीं मालूम उदार क्या है। तो इसी कारण मैं आप लोगों को बोलता हूँ नास की मंडली में ऐसा कोई एक भी जन नहीं रहे कि इसमें कोई संदेह हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि मानो उदार का सच्चा अर्थ हमें जानना जरूरी बात है। उदार पाया व्यक्ति आने वाला क्रोध से बच चुका है, उसको उसका बारे में नो डाउट, कोई चिंता नहीं। दूसरी एक बात, उदार का मतलब जरूरत, अनेक लोग उदार पाना चाहिए। क्यों पाना चाहिए? है जब रोमियो 3:23 आपको समझ रहे, लेकिन फिर भी हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहे थे। सभी पाप किया, इसका मतलब क्या है कि सबको उधार का जरूरत है, सब लोगों को उधार पाने का जरूरत है। सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे थे। आपको मालूम है मतलब
डॉक्टर किसको चाहिए? हाँ, बीमारों को चाहिए डॉक्टर, बीमार के लिए जरूरी है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मरकोस का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, मरकोस उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। देखा, वैद्य का जरूरत किसको है? बीमारों को। मतलब जिसको अच्छा स्वास्थ्य है उनको डॉक्टर का जरूरत नहीं, परंतु बीमारों को जरूरत है। इसका मतलब जो भी पापी है वो पापी को उद्धार करता का जरूरत है। आप सोचिए, जो व्यक्ति पापी होने के बावजूद भी उद्धार करता को इनकारता है वो अनंत जीवन को इनकारा। जो व्यक्ति पापी होने के बावजूद भी वो उदार को या उदार करता को इनकारता है वो अनंत जीवन को इनकारा। इसके बारे में बहुत नम्रता से आपको बोलना चाहता हूँ, जिसका भी उदार नहीं हुआ वो थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तो शायद आज आपको अगर कहीं भी अड़का है तो वो बात को भी प्रभु आपको खुल करके समझाना चाहता है। और आप उदार पाया करके जो कहता है उनका भी जीवन का संदेश दूर करना, वो है एक क्लास का बहुत बड़ा मुद्दा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर अगर आप ध्यान देगा आप बिल्कुल इस बात में क्लियर माइंड के साथ आप जा पाएगा। तो आपको मालूम है अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ दो चोरों के बीच में यीशु मसीह लटकाया गया था, अभी उसमें से एक व्यक्ति उधार पाया, वो प्रभु के साथ पड़ते समय गया, वो गवाही सुनने के समय में कम से कम दूसरा बोल रहा था, प्रभु मैंने भी गलती किया, मेरे से भी गलती हो गया, आप मुझ पर भी दया कर, इतना एक ही शब्द बोला होता तो वो भी कहा जाता पक्का स्वर्ग जाता था। मेरा प्रभु कोई भी अवस्था में प्रभु का नाम लेने वालों को उद्धार करने के लिए तैयार है। परंतु वो व्यक्ति ने, अभी कई लोग बोलते ना हटीला पर, प्लीज कोई भी हटीला स्वभाव के साथ आज वजन ना सुनना प्रभु। हाँ जरूर, आप बहुत प्रार्थना के साथ रहना, आपका कोई भी प्रिय जन अभी तक अगर उधार नहीं पाया आज उसका उधार होना ही चाहिए, आज वो प्रभु के लिए दिल खोलना चाहिए। मैं इसलिए बहुत नम्र विनती करता हूँ, मतलब उधार करता अभी हमारे बीच में है, आज भी प्रभु हाथ फैला रहा है ना, प्रभु को बहुत तड़प है आपके प्रति, प्रभु को बहुत चाहते है। शायद ये वो व्यक्ति को मिलने वाला आखिरी संदेश भी हो सकता है, कोई बोल नहीं सकता प्रियो। हम लोग अच्छा स्वास्थ्य अवस्था में देखने वाले कई लोगों को प्रभु ने जब चेतावनी दिया इसके बाद में उनको मौका नहीं मिला दोबारा एक बार सुनने के लिए, एक संगति नहीं मिला, ऐसा भी अवस्था हो सकता है। हम लोग अभी मतलब आपको मालूम है अभी एक दो दिन में तुर्की में और सीरिया में क्या हुआ, भूकंप हो गया है ना, मतलब कितना बिल्डिंग टूट गया। अभी आपको मालूम है पहले बोला था 150 लोग मर गया, फिर माला एक घंटा में बोला 250 लोग मर गया, फिर बोला 3000 लोग मर गया, अभी बोलता है 4500 लोग मर गया, पर तो अभी वो बोल रहा है कम से कम 50,000 से ऊपर मर गया। आप देखो और वो लाखों का भी ऊपर जाएगा बोलते हैं। आप देखो भैया, आपको मालूम है जब लातूर में जब भूकंप हुआ पहले बोला 250 लोग मर गया, फिर बोला 600 लोग मर गया, धीरे धीरे ऐसे बोलते रहा, बाद में कितना मरा 4.5 लाख, 4.5 लाख। आप देखो है प्रियो, कुछ होने के लिए कितना टाइम लगता। हम लोग प्रभु का उपस्थिति में बैठने के टाइम पर प्रभु जो वजन दे रहा है वो वजन को स्वीकार करके प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेगा, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में हो जाएगा, फिर अपन धन्य बनेगा, अपन स्वर्ग में मिलेगा। और ये वजन परमेश्वर का वजन है, बाइबल में एक भी शब्द वो अधूरा नहीं रहेगा प्रियो। इसलिए मेन बात क्या है कि यहाँ पर का विषय क्या है कि हम अगर इस उदार को इनकार दिया, हमने अनंत काल को इनकार, हमने अनंतदा को इनकार, अनंतदा मीन्स प्रभु के साथ रहने वाले अनुभव को इनकार। कितनी बार हमने इनकारा, कई लोगों ने कितनी बार इनकारा प्रियो, इस उदार को कोई भी इनकार होना। अगर आप ये दुनिया में जन्म लिया अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, निश्चय आपका ऊपर एक लेख है नरक के लिए नियुक्त, ये लेख तब मिटेगा जब उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, ये सुसमाचार पर विश्वास करे, उन्हीं को ही उद्धार मिलेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो उद्धार का पद ही
ये बहुत अनमोल है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने वो बात बताया, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगा। उद्धार का पत्र ही या अभी का नहीं है ना, रोमियो का पत्र ही, उसका 8 अध्याय उसका 29-30 इस 2 भजन में 5 बात यहाँ पर लिखा है। इससे पहले भी हम लोगों ने ध्यान किया था, फिर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय का 29-30 देखिए यहाँ पर 5 बात हम लोग देखते हैं। कितने बात? 5 बात। प्रभु का पहले का ज्ञान, प्रभु का पहले का निर्णय, प्रभु का पहले का बुलाहट, प्रभु का धर्मी ठहराने वाला कार्य और महिमा देने वाला कार्य, ऐसा 5 बात ये 2 भजन में लिखा है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखा, जान लिया, पहले से जान लिया। मुझको और आपको प्रभु ने कब से जान लिया? पहले से। प्रभु हमको बुलाने के बाद जाना, क्या हम दुनिया में आने के बाद जाना, ऐसे क्या नहीं प्रियो? देखिए बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु ने हमें पहले से जाना। कब से जाना? उसको रुकना, Ephesians 1:4 जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु ने कब हमको जाना? जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रभु ने हमको दुनिया बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें जाना, हमें मसीह में छुना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का, प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का खूबियों के बारे में थोड़ा जानना कितना अच्छी बात है। यहां पर बैठ करके सुनने वाला अभी कई लोगों को कई बार प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु ने उसको जाना, प्रभु ने पहले से हमें जाना। जो भी जो उदार किया वो लोग कैसे जीना चाहिए? वो पवित्र और निर्दोष। क्या बोला? पवित्र और निर्दोष। इसको बोला प्रभु ने हमें जाना, प्रभु हमें नियुक्त किया, प्रभु ने हमें चुना। एक बड़ा उद्देश्य है प्रभु के निकट पवित्र और निर्दोष हो। परंतु प्रभु का ये सर्व ज्ञान, ये ज्ञान का खूबी ये जानना कितना बड़ी बात है प्रियो। ये और किसी को नहीं, कोई भी नहीं जान सकता। जब यशया 46 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, यशया 46 अध्याय 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। हाँ देखिए, प्रभु आदि में अंत जानता। हमारे प्रभु का खूबी क्या है? आदि में अंत जानता। कितना बड़ी बात है भैया है, ये दुनिया का समाप्ति कैसा क्या होना है ये सारे बात किसको मालूम? हमारे प्रभु को मालूम है। इतना करोड़ों सालों के बाद में इसका क्या कुछ होने वाला है प्रभु को मालूम। प्रभु को आदि में अंत मालूम। हमारे हरेक का जीवन का हरेक अवस्था के बारे में प्रभु को मालूम। ये कब ये मुड़ेगा प्रभु, इसलिए कई बार 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 लोगों को अवसर देता है। प्रभु उस दिन बोलेगा मैं जानता था तो इतना जल्दी नहीं सुधरेगा, इसलिए मैंने इतना बार तुझे बुलाड़ दिया। ये सब बात बताएगा उस दिन। वो उस समय में रोएगा, प्रभु आपका प्यार को हमने बहुत बार ठुकराया। जरूर रोएगा, क्योंकि प्रभु का प्यार इतना निष्कलंक प्यार है, बहुत बड़ा बड़ा अनोखा प्यार है प्रियो। परंतु दुनिया के झूठे लोग, मैंने जिस पर जो विश्वास किया वो सच्चा परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसको आदि में अंत मालूम है क्या? नहीं मालूम। ऐसा कोई है तो प्रभु चैलेंज करके बताता है ना। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय का 22-23 वचन, यशायाह 41 अध्याय का 22-23। वे उन्हें देखकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि हम आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या क्या फल होगा या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। हाँ, तब मानेगा ईश्वर है।
क्योंकि ईश्वर को क्या मालूम, आदि में अंत तक का बात मालूम। कितना बड़ी बात है। हमारे प्रभु के बारे में हमने अभी तक क्या जाना? हमारे प्रभु का अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर आकर के बैठा हुआ हम लोग में कोई भी बात छिपाना चाहेगा तो अभी प्रभु का दृष्टि में छिपाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको सब मालूम है 139 भजन संहिता 1-5 तक के भजन में प्रभु ने आगे पीछे गिर रखा है। बोले के अर्थ क्या है ना, प्रभु ऐसा जगह पर प्रभु बंद करेगा फिर आगे पीछे नहीं जा पाएगा। उसका 5 वचन में शायद मतलब एक देखा देखो ऐसा मुसीबत में डालेगा उस समय में आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा ऊपर को देखेगा। तो कम से कम दृष्टि तो पड़ेगा प्रभु के ऊपर, समझी बहन है। ऐसा मुसीबत आने नहीं देना। लेकिन हमारे जीवन में एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभु हमारा हर एक बात को जानता है, प्रभु हमें अच्छी तरह जानता है। उस प्रभु का दृष्टि में हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए वो सब कुछ जानने वाला है, है? प्रभु हमें हर एक बात, जब आपको मालूम है जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, स्वप्न के प्रति वो व्याकुल हुआ, वहां का सारे अधिकारी वर्गों को मंत्रियों को खत्म करने की प्लान बनाया। लेकिन दानियल जाकर के बोला उनको मत खत्म करो, थोड़ा सा समय दे दो, हम प्रार्थना करेंगे। हम जिस प्रभु का भक्ति करता है वो आदि में अंत जानता है, इसलिए आपका जीवन में जो भी हुआ है वो बात हम प्रभु को पूछेगा और प्रभु से पूछ करके आपको बताएंगे, है ना। वहां पर नबूकदनेस्सर को दानियल देने वाले एक गवाही दानियल की किताब में 2 अध्याय में है। दानियल 2 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। देखा उसने नबूकदनेस्सर राजा को बताया अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला, देखा। और बाकी उसका पूरा अर्थ सब व्याख्या करके वो बताता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर के बारे में हमें सही ज्ञान देना। वो हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कहा हुआ है, हम कैसे करेगा क्या करेगा ये सब प्रभु को मालूम है ना। हमारे जीवन का हर एक बातों को प्रभु के वचन के द्वारा जानना कितना अच्छी बात है। आपको मालूम है जब इसहाक का संतान एसाव और याकूब के बारे में जन्म होते ही प्रभु ने उनको क्या बोला, जब रोमियो का पत्र उसका 9 अध्याय उसका 11-16 वचन पढ़ रहा। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे न उन्होंने कुछ भला बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है कारण से बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसा को अप्रिय जाना। अभी पूरा मत पढ़ो, अभी मानो ये बात आपको मालूम है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। बोले का अर्थ क्या है कि मैंने प्रभु ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, आप लोग बोले मतलब प्रभु को उनका जिंदगी का रूट मालूम क्या है। प्रभु किसी के साथ कोई भाई बंदी की ऐसे क्या नहीं, ये क्या करेगा भविष्य में ये प्रभु को मालूम। आदि में जन्म होने से पहले ये कौन सा रूट में चलेगा, कैसे कैसे टनापुना हो जाएगा, सब प्रभु को मालूम, इसलिए बताया। बहुत गहरा बात है, हमारे जीवन में प्रभु का दृष्टि में कोई भी बात छिपा नहीं रहता। प्रभु हमारे प्रभु का बारे में हमको सही ज्ञान रखना हमें एक प्रभु का दृष्टि में एक योग्य जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी बात है। जब एफेसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ो। सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। बस बस सनातन मनसा के अनुसार इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने अनादि काल में एक निर्णय लिया था। देखो प्रभु योजना का परमेश्वर है, प्रिय
प्रभु योजना का परमेश्वर है, अपन उसका तीसरा अध्याय का पहला पत्रोस पहला अध्याय का दूसरा वचन पहला पत्रोस। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। मतलब परमेश्वर का भविष्य ज्ञान के अनुसार, प्रभु का भविष्य ज्ञान के अनुसार प्रभु ने क्या किया मालूम है? उसका 20 वचन माना, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देखा बोले करते क्या मालूम है, प्रभु ने अपने पुत्र को भेज करके मानव जाति के लिए करने वाला कार्य के बारे में प्रभु का दिल में कब था? पहले से अनादिकाल में था। बहुत बड़ा बात है अभी, अगर आप सोचिए अभी नासिक से बॉम्बे जाने वाला रूट हमको मालूम नहीं, परंतु प्रभु को मालूम, क्योंकि वो रूट बना हुआ है, वो वही रूट पर जाएगा। अभी तो आपको मालूम, लेकिन आप सोचिए आपको वो मालूम ही नहीं, वो भी आपको जो बनाया हुआ वो मार्ग में जाएगा ना। प्रभु को आदि में अंत मालूम, क्योंकि प्रभु ऊपर से देखता है। हमारे जीवन में हम कौन कौन सा जगह से होकर के जाएगा, हरेक बातों का भेद प्रभु को मालूम। जब निजी वजन में 16 अध्याय का 4 वजन में ऐसे एक शब्द लिखा है, बहुत डराने का बात शब्द है, हरेक को प्रभु ने अपने उद्देश्य से बनाया और दुष्ट को बुरे दिन के लिए क्या बोलता है वो थोड़ा पढ़ना। देखा अपनी दुष्ट को भी प्रभु ने बनाया, देखा कुछ लोग दुष्ट है अभी आपको मालूम है, इसके लिए तो यूदा है ना, प्रभु ने बोला ये ना जन्मा तो अच्छा था, है बहुत भयंकर बात है, लेकिन जन्म होना जरूरी है क्योंकि भविष्यवाणी पूरा होने आए। तो हरेक बातों में प्रभु का एक योजना है, मैं उस योजना में कौन सा भाग में करके जानना बहुत जरूरी बात है, इसलिए उसका सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है जो सच्चा जो ज्ञान यीशु मसीह प्राप्त होने के बाद या प्रभु की आत्मा प्राप्त होने के बाद। थोड़ा गहरा बात है, थोड़ा प्रार्थना के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं आज वो व्यक्ति जिन्होंने अभी तक ये उदार का अनुभव नहीं पाया उनको ये उदार का अनुभव मिल पाए, इसके लिए बहुत ध्यान से ये बात को सुनना। जब मतलब प्रभु ने जो किया हुआ एक काम बहुत बड़ा काम है, क्यों ये काम किया, ये सभी मनुष्य एक भी जन नष्ट ना होते हुए उदार पाने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं एक भी नष्ट होना, परंतु नष्ट क्यों हो रहा है आपको याद होगा पहला तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन में, पहला तिमोथी जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। क्यों उद्धार होना चाहिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा उद्धार तैयार किया, इतना बड़ा उद्धार तैयार किया। अभी एक भी व्यक्ति आज ये वचन सुनने वालों में एक भी व्यक्ति मैं उद्धार नहीं पाया बोल करके दुखी नहीं होना प्रियो, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुका करके इतना बड़ा उद्धार प्रभु मानवों को मुफ्त में दे रहा है ना, मुफ्त में दे रहा है। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 12 वचन, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, देखा एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया, इसका मतलब क्या है, एक ही बलिदान के द्वारा हरेक पापी जो भी विश्वास करेगा उनको सर्वदा के लिए सिद्ध करने के लिए एक बलिदान काफी है। प्रभु ने इतना महान कार्य कर चुका है, सुसमाचार के द्वारा अपन यही संदेश लोगों को देता है, हरेक पापी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा मिलेगा, उन्हें उद्धार मिलेगा, उसको नया जन्म मिलेगा, उसको मतलब प्रभु के आत्मा का दान मिलेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये सारी वायदा प्रभु देता है, प्रभु ने प्रभु का वचन को कभी भी तोड़ा नहीं,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु का एक खूबी, वो नियम का परमेश्वर है, कभी भी नियम नहीं तोड़ता। जब प्रभु इस दुनिया में जब आया, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं आया, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। आपको सबको मालूम मत्ती 5 अध्याय उसका 17 वचन, देखो पूरा करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। प्रियो हमारे जीवन में हमें एक बात को जानना, बिना लघु भाव करके मुक्ति नहीं। अभी मानव जाति की मुक्ति के लिए लघु बहाना है, पर दो लघु कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र लघु बहाते बिना मानव जाति का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए स्वयं परमेश्वर को ही मनुष्य बनकर आना पड़ा। वो एक ही बार ये दुनिया में आया और वो एकदम पवित्र जीवन बिताया। देखिए यीशु मसीह ने व्यवस्था का अधीन होकर के व्यवस्था अपने जीवन में पूरा करते हुए उन्होंने पवित्र जीवन बिताया। यीशु मसीह के बारे में क्लियर गवाही पहला योहन्ना 3:5 में लिखा है, उसका पहला योहन्ना उसका 3:5 कभी पाठ में उसके स्वभाव में पाप नहीं देखा, उसका स्वभाव में पाप नहीं। तो पाप नहीं तो कौन चाहिए? यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है ना। पहला पत्रोस 2:22 की शुरुआत में उसने पाप नहीं किया, क्या नहीं किया? उसने पाप नहीं किया। मतलब पहली बात, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। दूसरी बात बोलता है उसने पाप नहीं किया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पाप से अज्ञात था। प्रियो ऐसा एक व्यक्ति का खून चाहिए। आप देखिए बोलने का मतलब, जो पाप नहीं जानता, इसमें पाप नहीं किया और जिसमें पाप नहीं, ऐसा एक व्यक्ति सिर्फ दुनिया में है प्रियो, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसी का ही पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीते वक्त योहन्ना का सुसमाचार 8:46 में प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर चैलेंजिंग वर्ड पूछा, क्या मालूम है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, मतलब किसके पास ऐसे सामर्थ्य है कोई मुझ में ढूंढ करके एक पाप दिखा सकता है? ऐसे कोई बोल सकता है? अरे आज ऐसे कोई बोलेगा तो हजारों पाप दिखाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पीढ़ी के लोगों को बोलता है, तुम में से कौन है मुझे मुझमें पाप दिखा सकता है? देखो नहीं दिखा सकता भैया। और वो प्रभु ने हमारे पापों के लिए हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। प्रियो एक पापी को इससे बढ़कर के एक संदेश सुनने के लिए मतलब ऐसा मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और वो भी आखिर में प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द आपको सबको मालूम है, मतलब योहन्ना 19:30 है, सब कुछ पूरा हुआ। मतलब उद्धार के लिए जो भी चाहिए था वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है, ये बहुत ही अनमोल बात है, प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। तो ऐसा है तो ये जो किया हुआ प्रभु का काम, ये एक भाभी अपने जीवन में सुन करके जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा या उद्धार का अनुभव मिलेगा। इतना बड़ी बात है, इसको कई रीति में कई शब्दों में बाइबल में बताया। इस उद्धार प्राप्त करने के लिए या इस उद्धार होने का समय में मिलने वाले अनुभव को मतलब एक जन्म के रीति में बोला यीशु मसीह ने, इसको एक जन्म के रीति में बोला। योहन्ना का सुसमाचार 3:5-7 मतलब बार बार ध्यान करने वाली बात है। निकुदमुस के साथ का चर्चा में पढ़िए कर रहा नया लोग है इसलिए मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ। उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई
कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए बहुत ध्यान से सुनना है प्रियो, उद्धार पाना ये सिर्फ एक निर्णय लेना ही नहीं, ये एक अनुभव है या एक जन्म है। बहुत ध्यान से सुनना, उद्धार पाना ये सिर्फ हमने एक निर्णय लिया या प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु करके स्वीकारा ऐसा एक निर्णय लिया इतना ही नहीं। कई लोगों में याद का अनुभव है, वो बात थोड़ा क्लियर होने जा रहा है, आप लोग बहुत प्रार्थना सुनना है। हम लोग बोलता है कि हमने उधार पाया, उधार पाने के लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु मान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उतना में उनका बात खत्म हो गया। परंतु प्रियो ये वहां पर खत्म होने वाला बात नहीं, समझना थोड़ा ध्यान से थोड़ा गौर देना, क्योंकि ये उद्धार वो एक जन्म है, बोले का मतलब वो एक अनुभव है। सिर्फ हमने जो निर्णय लिया उतना ही नहीं, वो एक अनुभव है, एक जन्म, वो एक जन्म है। वो जन्म हुआ है कि नहीं वो बात को जानना है। अभी बहुत बार क्या होता है, मतलब बहुत लोगों का विश्वासियों का जीवन में प्रभु चाहने वाला अनुभव में वो प्रभु में नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, उन्होंने जरूर प्रभु को ग्रहण किया परंतु उसको जन्म नहीं हुआ। प्रियो उदार वो सिर्फ एक कबूली की शब्द नहीं, वो बातों में हम लोग आएंगे, लेकिन एक बात जानना, मैं इसलिए आपको बहुत प्यार से बोलना चाहता हूं, क्योंकि क्या है आजकल उदार का सच्चा अनुभव में जीने वाले लोगों की संख्या कम है। इसके लिए इसको थोड़ा विस्तार से अभी सिखाना पड़ रहा है, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। मतलब उद्धार पाया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, ये बात आपने जरूर किया, पर तो आपके अंदर जन्म नहीं हुआ, वो जन्म नहीं हुआ तो आपका जीवन भी नहीं बदला। आप बहुत ट्राई कर रहा है, आप बहुत कोशिश में है, ये धोखा है। प्रियो विश्वास करने पर या प्रभु को ग्रहण करने पर आपका जीवन में ये जन्म होना जरूरी है। अभी भी आपको ये वजन सुनने के टाइम पर कई लोगों को थोड़ा झटका आएगा, क्योंकि सचमुच में उनका जन्म नहीं हुआ। ये वजन आपको वो बात सबूत करेगा, ये वजन आयना है ओरिजिनल अवस्था देखना प्रियो, क्योंकि पहले योगना पांच अध्याय का पहला वजन, पहले योगना पांच अध्याय का पहला वजन देखिए वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मतलब परमेश्वर से जन्म हुआ। क्या हुआ, प्रभु की ओर से जन्म हो गया, जन्म। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप कैसा उधार पाया। अभी आप सब लोग अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोचो आपने कैसा उधार पाया, या उधार पाने के समय में आपका जीवन की अनुभव क्या था, आप थोड़ा सोचो। मैंने प्रभु यीशु कोई प्रभु के दास ने बोला होगा, मेरे पीछे प्रार्थना करो, आपने उनके पीछे प्रार्थना किया, प्रभु को ग्रहण किया, अरे तो आपका जीवन में वो जन्म का अनुभव नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, प्रभु दास ने बोला आपने तो प्रभु को दिल दिया ना, अभी आप पश्चाताप भी लेना चाहिए, डुबकी भी लिया, डुबकी लिया तो फिर प्रभु दास ने बोला अभी आप परमेश्वर में शामिल होना चाहिए, परमेश्वर में शामिल भी हुआ, अरे तो अभी तक जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ है कि नहीं, ये बहुत आप प्रभु की स्वर्गीय परिवार की सदस्य होकर के जन्म हुआ करके कितने लोगों को पक्का निर्णय है। ये सिर्फ आपका एक सोच नहीं, ये आपका एक विचार नहीं, ये आपका अनुभव होना चाहिए।
आपको समझ में आ रहा है करके लगता है। मैं ये बात को और बहुत गहराई से क्लियर करने वाला हूं, यो संदेह मत करो, कोई अपने आप को धोखा ना करो, क्योंकि उदार बोलेगा तो ये नया जन्म है, ये नया जन्म बोलेगा तो हम स्वर्गीय परिवार का एक सदस्य बनकर के स्वर्गीय पिता से पाने वाला बात है। जरूर प्रभु का प्रभु पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को हम अपनाया, उस समय में हमारा नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। कई लोगों को ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, उन लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मसीह जीवन में जाने के लिए। जन्म होते बिना आत्मिक जीवन नहीं होता प्रियो, आप बहुत स्ट्रगल करके भी आप आकर हार जाएगा और असलियत तो बाहर आएगा। मैं आपको बताऊ है ना सबको, क्योंकि आपको सबको मालूम है जब योगा का सुसमाचार 12-13 बजे आप तो बहुत अच्छी तरह मालूम, परंतु इतना एक विश्वास करके प्रभु को ग्रहण किया बोलने से ही सिर्फ आपका नया जन्म हुआ करके मतलब आपका अनुभव में नहीं है तो आप बहुत बड़ा धोखा में है। अभी अनुभव के बाद भी आपको बदलने वाले आप पढ़िए आप। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखिए यह अमर वचन बहुत साफ है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना प्रभु मान करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपने विश्वास के साथ अंगीकार किया है, मुंह से कबूल किया है, वो व्यक्ति स्वर्गीय पिता से नए जन्म पाया, नए जन्म पाएगा, लेकिन पाया है कि नहीं, विधि वही है पर तो पाया है कि नहीं, पाया वो व्यक्ति को वो नया जन्म का अनुभव रहेगा प्रियो। ओ मेरा हो गया होगा ऐसा मत बोलना, मेरा सोच ये है मेरे जीवन में मैंने इस रीति में प्रभु के दास ने समझाया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु करके ग्रहण किया, इसलिए मेरा नया जन्म हो गया होगा, ऐसा मत बोलना। ये आपका सोच में रहने वाला बात नहीं, अनुभव में होने वाला बात है। आपका स्वर्गीय पिता के साथ नाता जोड़ा हुआ अनुभव में आया हुआ बात होना चाहिए। थोड़ा स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, आपने बिल्कुल वजन को ही बात मान करके जैसा अभी उसके साथ पढ़ने वाले एक शब्द आप लोग पढ़ता है पढ़ाता है, रोमियो 10:9-10 रोमियो 10:9-10 यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अभी देखिए वो शब्द थोड़ा ध्यान से अभी ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो एक बात समझा होगा, अब वास्तव में जो हृदय में विश्वास किया वही बात तो मुंह से बोला गया नहीं है ना, आप थोड़ा ध्यान करो, यह अमर वचन सही बोला पर तो आपने किया करते, आपने हृदय में विश्वास किया वो बात तो मुंह से नहीं बोला, क्योंकि तो आपका हृदय में अभी तक वो विश्वास नहीं आया। बाप रे ये कैसा होगा, वो व्यक्ति का अवस्था क्या होगा, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है हमने विश्वास किया इसलिए बोला, क्या बोला, हमने विश्वास किया इसलिए बोला है, हाँ बोलो विश्वास किया इसलिए बोला, आपने सच में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है और वो मेरे पापों के लिए ये दुनिया में आकर के मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर के मेरे लिए वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा और वो स्वर्ग में चला गया, आज पिता के देने और बैठा है। ये बात सुनने के समय में वास्तव में मैं जहां पर मरना चाहिए मेरे स्थान में मेरा यीशु मसीह मर गया, ये विश्वास किया था क्या, और जो आपने इतना गौर नहीं दिया,
आपने मान लिया। प्रभु दास ने बोला ठीक है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ठीक है मैं भी मान लेता हूँ उद्धार करता है। और आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु प्रभु अभी भी बोलता है प्रभु प्रभु, और तो बातों में नहीं चलता। अभी एक व्यक्ति जन्म हुआ है तो अभी वो विषय आने के टाइम पर आपको एकदम साफ मार पड़ेगा, मैं 12 सबूत रखूंगा थोड़ी देर के बाद में। एक व्यक्ति नया जन्म पाया है तो 12 सबूत रहेगा, 12 सबूत। इसलिए बहुत अच्छी रीति में समझना पड़ेगा मैं वास्तव में उधार पाया है कि नहीं। मेरे उधार नहीं हुआ है तो मेरे जीवन में मैं ये भक्ति करके मैं कहां यात्रा कर रहा है, क्यों नहीं आत्मिक जीवन में बैठ पाता। आज भी देखिए अभी आपको मालूम है, आज बहुत लोग ये सच्चा नया जन्म ना होने के कारण है, अभी मेरी बात तो पड़ोसी का बच्चा क्यों मानेगा, आजकल अपना बच्चा ही मानना मुश्किल है तो फिर पड़ोसी का बच्चा क्यों मानेगा, अब मेरे कौन है। अरे कभी कभी बिल्ले के टाइम में डाड़ी डाड़ी बोलता भी होगा, डाड़ी डाड़ी बोलने से अपना बच्चा बना क्या, नहीं वही बात यीशु मसीह ने बोला अपना 12 बातों में एक बात नहीं। यहाँ पर लूका 6 अध्याय का 46 वचन में क्या बोला, लूका 6 अध्याय का 46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ देखा, बोलता है हमेशा प्रभु 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 यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, परंतु प्रभु का कहना नहीं मानता, प्रभु का कहना नहीं मानता। प्रियो आज आप सोचो हमारे जीवन में ये पीछे दिनों में प्रभु ने कितनी बात हमको बताया, एक भी बात तो माना क्या, पर क्यों नहीं माना, क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं है, ये बात सबूत करते हैं आपको। मानने वाला कितनी बातें ये इन दिनों में आप लोगों को बताया सिखाया, लेकिन किया क्या, सुना आप जरूर आपने, क्योंकि आप लोग बहुत शांत रही थी, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, झगड़ा नहीं किया, पर तो माना नहीं। अब देखो स्वर्गराज में कौन जाएगा, उस समय में होने वाला धोखा उसे बचने के लिए है ना, जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 21-22-23 वचन, बहुत थोड़ा 21 वचन पढ़कर थोड़ा रुकना। हाँ क्यों नहीं करेगा, अरे प्रभु बोला ना, प्रभु करके ग्रहण किया बोलोगे, प्रभु प्रभु बोलता भी है लेकिन नहीं जाएगा बोला, नहीं जाएगा बोला, मालूम हो गया नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। हाँ परंतु वही हाँ जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, देखा जो स्वर्गीय पिता का इच्छा, स्वर्गीय पिता का इच्छा अपने संतान प्रभु का संतान मानना चाहिए। मैं प्रभु का संतान बन के आए तो मुझे मेरा बाप का मेरा पिताजी का बात को मानना है, भी नहीं मान करके फिर भी प्रभु के नाम पर चलते है जीवन बिताता है, उनकी अवस्था क्या होगा भविष्य में। हाँ 22-23 उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। देखा ऐसे क्यों बोला है, अभी वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने प्रभु की ओर से वो नहीं किया, प्रभु का महिमा दे करके वो का नहीं किया, उसमें पूरा बड़ाई खुद का था, प्रभु का महिमा नहीं किया। प्रभु किसको जानता है, मतलब 1 कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है जो प्रभु को प्रेम करता है प्रभु उसको जानता है ना, प्रभु का प्रेम में इन्होंने नहीं किया, उनका बात एकदम अलग बात था, प्रभु की प्रेम में वो काम नहीं किया। प्रियो प्रभु के लोग जो नया जन्म पाया उधार पाया वे लोग प्रभु को मानने के लिए उत्साह ही रहेगा ना, शुरुआत का मंडली ऐसे ही था, प्रभु के चेले लोग भी ऐसे था, वे लोगों को बहुत प्रतिकूल था
लेकिन प्रतिकूल देख करके वो लोग डरा नहीं, क्योंकि प्रभु का संतानों को डरने की जरूरत नहीं है और डरने की आत्मा पाया भी नहीं। वो सब अपन आगे क्लास में देखेगा, लेकिन एक दो बात बोलकर जल्दी काम करूंगा। मानो प्रेरितों काम 5 अध्याय उसका 28 से 32 तक वचन, प्रेषित 5 अध्याय का 28 से 32। अभी यहाँ पर एक सबूत बात बोल करके आज के ये संदेश में समाप्त करना चाहता हूँ। अरे बात जिसको अनुभव है उसको आज्ञाकारी रहेगा, जिसको अनुभव है या बोले का मतलब जिसको जन्म हुआ है, ये सब तोड़ से नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, हो गया होगा, हो सकता है मिल गया होगा, नो 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 नो, प्रभु का वचन में ये शक करने वाली बात है ही नहीं। शक रहता नहीं, शक रहने वाली बात वो शैतान लाता है। वो भी बात कल का संदेश में मैं आपको क्लियर करूंगा, बहुत गहरी बात दीदी में समझना पड़ी। आप सब लोग जो आज आए हैं ना, हदरा मत छोड़ना, कल पक्का आकर के बाकी सुनना। यहां पर अनुभव पाया हुआ प्रेरितों को इतना धमकी दिया, इतना डांटा पिटाया, लेकिन वो लोग बोलता है हमें तो तुम लोगों का पिटाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कितना भी कुछ करे हमें प्रभु का बात मानना ही होगा, हम प्रभु का बात मानेगा मानेगा। तुम लोगों ने जो यीशु को सूली पर चढ़ाया उसको स्वर्गीय पिता ने जिलाया, हम उसका गवाह हैं, हम बोलेगा। देखा, कितना भी प्रतिकूल में भी वो शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ वो व्यक्ति वो स्वर्गीय पिता की बात को जरूर मानेगा। उसका उसी अध्याय में उसका 40 से 42 तुम पढ़िए, 5 अध्याय का 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने की वजह से ठहरे। देखा है प्रियो 42 पढ़ा। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। 42 तक आ गया। ओके, तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उन लोगों ने इतना प्रतिकूल में भी उन्होंने प्रभु के गवाही बनना, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। ये नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का एक अनुभव का एक छाया या अधिष्ठान है। अभी हमारे जीवन में हरेक पवित्र लोग निसंदेह बोल पाएगा मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। उसका 12 लक्षण है, कितना 12 लक्षण। और उद्धार पाया है तो वो उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा, वो भी सच्चा निर्णय में चलने वाले लोग बहुत कम है, वो भी आपको क्लियर करेगा। उसका भी दृष्टांत है, उद्धार सुरक्षित है और वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये सारे बातों में अभी भी कई लोगों को कई दीदी का संदेह, वो भी आपको प्रकट करेगा। और इतना ही नहीं, आज बहुत लोगों को मैं वास्तव में आपको बताता हूं, बहुत लोगों को उनके चेहरे में उदार का सच्चा आनंद नहीं दिखता,
उधार का आनंद नष्ट हो चुका। उधार नष्ट नहीं होता, पर जो क्या होता, उधार का आनंद नष्ट होता है। आनंद नष्ट होने का भी कई कारण है, ये बातों में हमें बचना चाहिए। ये बात आपको कल बताएगा, भेज लो, क्योंकि अभी टाइम 8:10 हो गया है। नहीं तो मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो तैयार करके आया, लेकिन थोड़ा फिर भी थोड़ा बहुत बात बोलने के लिए मालूम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक जो बोला वो बात आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। समझ में आया, क्लियर जानना प्रियो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही मौका है। अरे यहाँ पर हमने करेक्ट करके नहीं चला वजन के अनुसार, यदि जीवन को सही रीति में नहीं बनाया फिर बाद में पछताने से क्या फायदा। प्रियो अभी भी कई लोगों को कई प्रकार का डाउट आ सकता है, आप लोग कोई डाउट है तो भी पूछ रहा, कल आपको खुल्लम खुल्लम छूट है, आज भी पूछ सकता है। अभी मैं प्रार्थना के बाद में आप मेरे पास आकर पूछूं, मैं आपको बताएगा, नहीं तो कल पूरा संदेश सुनने के बाद पूछूंगा, वो अच्छा रहेगा। नहीं सर, तो प्रभु जरूर ये वजनों की द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।